दोस्तों अब चलते हैं और एक बार फिर से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कर देते हैं। ये भाई समय आ गया है यहाँ से जाने का, तो बाबा की कृपा रही तो फिर से जरूर आएंगे। और आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा हम बद्रीनाथ परसों आ गए थे और आज है हमारी बद्रीनाथ से सीधे घर जाने की तैयारी। चलते पहुंच चुके हैं हम जोशीमठ पेट्रोल पंप में, तो हम सभी के सभी पहुंच चुके हैं हेलंग घाटी में। बड़ा लग रहा है, तेरी फिक्र हो रही बार बार। अच्छा क्यों भाभी जी की नहीं हो रही? भाभी जी होती तो तब तुम्हारे साथ आता मैं, उसको लाता घुमाने। अरे तो चलिए दोस्तों मैं आपको ड्रोन शॉट दिखा देता हूँ अलकनंदा और पिंडर के संगम स्थल का और कर्ण मंदिर का और कर्णप्रयाग का। भाई आदमी लोकेश बुला को बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे लोकेश बुला, मतलब जैसे हम यहाँ पहुंचे तो दुर्प्रयाग बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी निकल पड़ा भाई साहब हमारे लिए आज यहाँ ढूंढने। अरे नहीं तो चलिए जी हमारी तैयारी भी हो चुकी है यहाँ से निकलने की, तो चलिए भाई। चलो भाई चले चले चलिए चलते हैं। हमने पूरे बैग पैक कर दिए हैं, अब निकलते हैं यहाँ से सीधे। काफी अच्छा रहा, क्यों मजेदार। जो रूम था वो यहाँ था श्री रघुनाथ आश्रम में, तो हमने रूम भी छोड़ दिया है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं और एक बार फिर से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कर देते हैं और आपको भी दर्शन करवा देते हैं। हमने देख लो भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर। हे प्रभु अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। तो जाते जाते एक बार आप भी दर्शन कर लीजिए। जय हो बद्र विशाल लाल की। चलिए भाई समय आ गया है यहाँ से जाने का, तो बाबा की कृपा रही तो फिर से जरूर आएंगे। तो वैसे तो इस वैकुंठ धाम को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करना, अगर बाबा की कृपा रही फिर एक बार जरूर आएंगे। तो जो ये हमारा बद्रीनाथ का मंदिर है, ये धाम भी है और वैकुंठ भी। श्री बद्रीनाथ का मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश कुमार और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस पवित्र स्थल बद्रीनाथ से। चलिए जी आपसे करने कुछ बात तो करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो भी हो रही है भाई बद्रीनाथ से। और आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा हम बद्रीनाथ परसों आ गए थे और आज है हमारी बद्रीनाथ से सीधे घर जाने की तैयारी। आज हमारी तैयारी है बद्रीनाथ से सीधे वापस घर। यहाँ पर हमारी दोनों बाइकें लगा रखी हैं, तो चलिए निकलते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि अभी हमको काफ़ी दूर जाना है। चलते चलते पहुंच चुके हैं हम जोशीमठ पेट्रोल पंप में। तेल डलवा देते हैं गाड़ी पर क्योंकि तेल थोड़ा कम है। दोस्तों हम सभी के सभी पहुंच चुके हैं हेलंग घाटी में। बाकी काफी अच्छा मौसम है आज। कैसा लग रहा भैया? बढ़िया लग रहा है, तेरी फिक्र हो रही बार बार। अच्छा क्यों भाभी जी की नहीं हो रही? भाभी जी होती तो तब तुम्हारे साथ आता मैं, उसको लाता घुमाने। अरे चलो आएगी आएगी जरूर आएगी। हमारी तैयारी भी हो गई है निकलने की। भाई ले जाएंगे यहाँ से भाई की बाइक। चला लोगे ना ढंग से? हेलो भाई, ओ चाचा खोल लो बेटा, पीछे पीछे तू आ ही रहा है। हाँ चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी दोस्तों काफी लंबा सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भाई चमोली। जब बाकी चमोली हम उसी जगह पे रुके हैं जहाँ हम जाते वक्त रुके थे भाई, इस वाले होटल पे। इन्होंने यहाँ खाना ऑर्डर कर रखा है तो भूख भी भयंकर लग गई, तो खाना खाते है भाई। हम चमोली में एक होटल में रुके हैं, बाकी सबसे पहले ठंडा ठंडा जीरा पी लेते हैं। क्यों भाई गर्मी बहुत हो रही है? हमारा खाना भी आ गया। खाने की थाली ऐसे लग रही जैसे घर की होगी। नी जन घर मम्मा नहीं जनते थाई पर पेंच वे। दोस्तों अभी बढ़िया करके हमारा खाना भी हो गया है, अब हमको निकलना है चमोली से सीधे रुद्रप्रयाग। प्रयाग है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर, यानी कि अभी बहुत जाना है। और जाम देख लो कितना खतरनाक जाम लगा है भाई इस समय। परसों तो रोड खाली थी, इस समय बहुत भयंकर वाला जाम लगा है। तो चलते चलते मैं पहुंच चुका हूँ कर्णप्रयाग। पहाड़ी भाई अंकित भाई तो आगे निकल गए हैं, तब तक मैं आपको कर्ण शिला और कर्ण मंदिर के दर्शन करा देता हूँ और कर्णप्रयाग भी दिखा देता हूँ। गेट है ये कर्ण मंदिर और कर्ण शिला का है, तो चलिए चलते हैं।
जय हो। दोस्तों हम प्रांगण में तो पहुंच चुके हैं, इधर सामने राम मंदिर है, बाकी मुझे भी नहीं पता कर्ण शिला और कर्ण मंदिर कौन सा है, क्योंकि मैं भी यहाँ पहली बार आ रहा हूँ इसलिए मुझे भी पता नहीं है कर्ण शिला और कर्ण मंदिर कौन सा है। ओ माय गॉड, ये देख लो दोस्तों, ये है कर्ण मंदिर, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण की प्रतिमा है और ये श्री कृष्ण की, कितना प्यारा लग रहा। और दोस्तों काफी अच्छा लग रहा है यहाँ मंदिर में आके, मैं पहली बार आ रहा हूँ इस जगह पे, प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। के ठीक नीचे की बात करें, यहाँ है संगम स्थल, देख लो भाई यह संगम स्थल, यहाँ पर होता है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम, और ये नदी आगे जाके अलकनंदा बनती है क्योंकि अलकनंदा बड़ी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ड्रोन शॉट दिखा देता हूँ अलकनंदा और पिंडर के संगम स्थल का और कर्ण मंदिर का और कर्णप्रयाग का भाई। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके भगवान जी के दर्शन भी हो गए हैं और मैंने आपको ड्रोन शॉट भी दिखा दिए हैं, कमेंट में जरूर बताना ड्रोन शॉट कैसे लगे। अभी जल्दी जल्दी चलते हैं मुझे, क्योंकि अभी कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग निकलना है। पाड़ी भाई और अंकित भाई तो बहुत आगे निकल गए हैं और मैं काफ़ी पीछे रह गया, तो चलिए चलते हैं। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग पहुंचे इतनी भयंकर बारिश हुई कि मैं पूरा भीग गया भाई, देख लो भाई ने तो बरसंती ओढ़ ली पर भीगे नहीं फिर भी, और देख लो इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही कि क्या बताएं। इतनी खतरनाक बारिश हो रही रुद्रप्रयाग में कि क्या ही बताएं, मैं तो पूरा भीग गया हूँ भाई, क्या बोलूँ, बहुत भयंकर बारिश हो रही है। फोन पे तो उतना कवर नहीं हो रहा, पर बारिश खतरनाक हो रही है। मैं तो बहुत जल्दी सूख गई भाई, तो नहीं भीगा पर मुझे पूरा भिगा दिया है, मेरी गलती नहीं है। हाँ। अरे यार कहा ऐसा ही हुआ भाई साहब, बाहर तो खतरनाक बारिश हो रही है, बाकी लोकेश भाई ने बरसात ओढ़ ली है और अभी जा रहा है रूम ढूंढने, तो लोकेश बोला तो चले गए हैं रूम ढूंढने, सवा रूम ढूंढ गया, तो लोकेश बोला ने रूम ढूंढने की जिम्मेदारी ले रखी है। बाकी भाई साहब बारिश की बात करें तो कसम से मतलब ये बारिश को अगर जमा कर दे तो पूरी नदी बन जाएगी भाई। अभी रुद्रप्रयाग में हमको रूम भी मिल गया है और बड़ी मुश्किल से मिला भाई, बाहर खतरनाक वाली बारिश हो रही है, हमने अपना खाना पीना सब मंगा दिया है रूम ही पर, तो कैसा लग रहा भाई? बढ़िया लग रहा है आपको कैसा लग रहा? अच्छा तुम बताओ तुम्हारे इलाका कैसा है? अरे हमारा इलाका तो स्वर्ग है, पर यार ऐसी बात नहीं, लोकेश बुला को बहुत बहुत धन्यवाद है। लोकेश बुला मतलब जैसे हम यहाँ पहुंचे तो दुर्ग्रयाग बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी निकल पड़ा भाई साहब हमारे लिए आसियाना ढूंढने। अरे नहीं, मिल गया आखिरकार,
बस मिल गया, बढ़िया बढ़िया। बाकी दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड।